एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। गलत आप मुझे ना समझें, आपको क्या लगता है खूबसूरत लड़की को आपकी मदद की जरूरत होगी? तो ये खूबसूरत लड़की यहाँ के हालात से भी वाकिफ होगी? ये सुनसान जगह नहीं है, यहाँ पे कोई हादसा कैसे हो सकता? हादसा तो हमेशा से बदजात है, सुनसान और गुंजान से आजाद है। दुराने सफर अगर ये मौजू जेरे बहस हो, बस इतनी सी फरियाद है। प्लीज अच्छा लगा मुझे इस तरह आपका शायराना अंदाज में फ्लर्ट करना, काफी टैलेंटेड है आप, मुझे इस सांस लेने पे मजबूर कर दिया आपने। कहाँ जाएंगे आप? गुलशन। What a coincidence, मैं भी गुलशन ही जा रहा हूँ। Really? Yeah? वैसे आप करते क्या है शायरी के अलावा? मुलाजिम है, मुलाजमत करते हैं। और जहां तक बात है शायरी की, तो जॉन के दौर में जिस नौजवान ने शायरी का जौक नहीं रखा वो तो बदजौक हुआ। इल्मे कलाम पे काफी महारत है आपकी, अधूरी मुलाकात में आपने मुझे इतना मुतासर कर दिया, तो यकीनन आपकी वाइफ भी आपसे काफी खुश हो। वैसे आपकी उर्दू से भी मैं काफी मुतासर कुन हुआ, लेकिन आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं शादीशुदा हूँ? क्योंकि अमूमी तौर पर इंसान शादी के बाद ही इतना खुश होता है। वैसे उर्दू के साथ साथ ऐसे लताफत भी कमाल है आपकी। वैसे आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते थे, लेकिन आपने तन से ही काम लिया। जाहिर सी बात है, एक अनजान आदमी के अंदाजे बयां से मुतासर होकर जो लड़की लिफ्ट लेने पर राजी हो जाए, एटलीस्ट उससे तो मैं खुश नहीं लग सकता। बातों में लगा के मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सवाल किया ही कब? अंदाजे पर ही इक्तफा किया। चलें, अब बकायदा आपसे सवाल कर लेती हूँ। क्या आपको अपना घर किसी के साथ शेयर करना पड़ता है? वैसे आपके सवाल का अंदाज मुझे अच्छा लगा। एक से ज्यादा फर्द के साथ घर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर जाहिर सी बात है अपनी वाइफ के साथ लाइफ भी तो शेयर कर रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है आप। वैसे एक बात बताएं, आपको भी सुबह नींद से बेदार होते ही किसी का चेहरा देखना पड़ता है? देखना पड़ता नहीं है, देखना चाहती हूँ अपनी कुल कायनात का चेहरा। वैसे आपकी बातों से ही अंदाजा होता है कि आप अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आपका शौहर आपसे ज्यादा प्यार करता है। ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? वही हिस्से लिताफत, गुफ्तार और हुस्न का पैकेज जो है। चले फिर एक शेर हुस्न के नाम भी हो जी। ओके। आया था इम्तिहान में मजमून हुस्न पर, पर्चे पर मैंने तुम्हारा चेहरा बना दिया। बहुत खूब, चले वैसे कॉफी तो बनती है आपके साथ है ना, लेकिन वो आपकी कुल कायनात? सॉरी, वो इस वक्त घर पे नहीं है। हेलो भाई, किधर गायब है तुम्हारा हस्बैंड? कब से ट्राई कर रहा हूँ उसे, उसका फोन बन जा रहा है। एनीवे, दफा करो उसे, अपना बताओ कैसी हो, मोटी हो या वैसी की वैसी? अकबर, मेरे अलावा कौन बेवकूफ एक्साइटेड होगा तुम दोनों से बात करने के लिए? हाँ, तुम कहाँ गायब हो? अमेरिका जाके तो वापस ही नहीं आए, तुम वहीं क्यों के रह गए हो? हमारी शादी पे भी नहीं आए। बस यार क्या बताऊं, यू नो हाउ इट इज, काम काम काम, बिजी चल रहा हूँ यार। बट बाय द वे मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक,
प्लान करते हैं कुछ एक्साइटिंग। वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अकबर आ रहा है। तुम जल्दी से आओ, तुम्हारी शादी का भी बंदोबस्त करते हैं। भाई लड़की तो तुमने ढूंढनी है मेरे लिए, और बिल्कुल अपने जैसे कार्बन कॉपी चाहिए मुझे। ओके, अब बाय द वे ये किसे बता रही थी कि अकबर आ रहा है? बस क्या बताऊं, कोई फ्लर्ट करते करते घर तक पीछे ही आ गया। वैसे तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, इतनी रोमांटिक लाइफ जीने के लिए ना एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। बात कराना जरा हजरत से। ये लो। हाँ जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। एयरपोर्ट से पिक कर लेना आते जाते। ठीक है ठीक है, आई सी यू देन। आई सी यू देन, बाय। मजा आएगा। इट्स गुड दैट ही इज कमिंग। चलें चलो।